अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त भाई खैर वाफियत से होंगे और अपने परिंदों का खूब अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे। तो जो भी नए भाई इस चैनल के ऊपर आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी नई नई मज़ीद जो मतलब कि इंटरेस्टिंग वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो जो आज की वीडियो का दोस्तों टॉपिक है, मेरे सेटअप के ऊपर गंजी मुर्गियाँ, मतलब कि जो काफ़ी भाइयों की इस ब्रीड का नहीं पता, वो यही कहते हैं कि गंजा मुर्गा गंजी मुर्गी, लेकिन ये ब्रीड है एक अलग से, इसको कहते हैं मादागस्कर। ठीक है, मादागस्कर के नाम से ये ब्रीड है। आज इसका शौक आप दोस्तों को करवाते हैं और आप दोस्तों ने बताना अभी ये मतलब कि ब्रीड तैयार नहीं हुई, अभी 6-7 मंथ के इनकी एज है। एक मुर्गी फुल तैयार है, ये अभी आपको चेक करवाते हैं। और जो पीला रोस्टर था दोस्तों, मेरा फेवरेट रोस्टर, वो इस टाइम सेटअप के ऊपर आ चुका है। 2 दिन हो गया लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं ज़रा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी दोस्तों। तो बाकी अभी इंशाल्लाह ताला आपको शो करवाते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले इसका शो कर लेंगे। देखें, इस ब्रीड को कहते हैं जी माता गस्कर, ये भागने की कोशिश कर रहा है। माशाल्लाह से आप इसका फेस चेक करें, माशाल्लाह से ठीक है। बाकी आप इसकी अभी नलियाँ चेक करें दोस्तों, अभी की नहीं है, पट्ठा है बिल्कुल, अभी ये तैयार हो रहा है। इसकी हमने फाइट तो नहीं करवाई दोस्तों, शौक नहीं, लेकिन ये आते साथ लड़ा था बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी इसमें फ़ाइट की, लेकिन ये फ़ाइट के लिए नहीं है। इंशाल्लाह ताला आके जैसी इसकी मतलब कि ब्रीड आएगी ना हमारे पास, वो ब्रीड आप दोस्तों को हम ज़रूर मतलब कि बताएंगे। ब्रीड आई अगर किसी भाई को चाहिए होगी इसकी ब्रीड, तो वो इंशाल्लाह ताला हम उनको मतलब कि मुहैया करेंगे, फराहम करेंगे। बाकी माशाल्लाह से आप चेक करें, मुर्गा ये भागने की पूरी कोशिश में है। चलें इसको छोड़ते हैं, बाकी आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखें, ये मादी दोस्तों जिस सीज़न में ये मेरे पास ना, पिछले सीज़न में उसी सीज़न में ये मेरे पास आई थी, ये कसूर गज़ल ने किया हुआ था। अभी ये मेरे पास ये भी आई है, ये भी मेरे पास आई है, ये क्रीज़ में दोस्तों आ गया था। ये मुर्गा अपनी क्रीज़ पूरी नहीं कर रहा था, बहुत मुश्किल पेश आ रही थी इसको क्रीज़ पूरी करवाने में, ये बहुत मतलब कि बुरा लगना शुरू हो गया था। फिर इस मुर्गे को बेच दिया गया कसूर, वहाँ से माशाल्लाह इसकी अब क्रीज़ पूरी हो गई। तकरीबन ये कोई लगा लें 6-7 महीने के बाद ये वापस आ रहा है। ये वाला पीला रोस्टर मेरा फेवरेट रोस्टर है दोस्तों। इस ये अभी जो मेरी प्रोफाइल के ऊपर डीपी लगेगी, इसके साथ लगेगी इंशाल्लाह ताला। और ये दोस्तों मादी है, ठीक है, ये मादी जो है ना, अभी इसकी उम्र नहीं थी अंडे देने की, लेकिन इस मुर्गे ने ज़बरदस्ती इसके साथ क्रॉस की है, अब ये ब्रीड करना शुरू होगी। इसने 4-5 अंडे दे दिए हैं, कुछ अंडे इसके मैंने मुर्गी के नीचे रखे हुए हैं, कुछ इसके अब मैं इकट्ठे करके इसके नीचे ही रखूँगा, ठीक है। जैसे ही ये कुरुक होगी, 10-12 अंडों के बाद ये कुरुक हो जाती हैं। इस ब्रीड का दोस्तों, ये वाली जो ब्रीड है ना, ये एक ये एक ये, बहुत से लोग इसको गंजा और गंजी मुर्गी के नाम से मतलब कि पहचानते हैं, लेकिन इसकी जो ब्रीड का नेम है ना, मादागस्कर इसकी ब्रीड का नेम है। कुछ लोग इसको वियतनामी मतलब कि वियतनामी पेयर भी कहते हैं, लेकिन ये वियतनामी नहीं है। वियतनामी जो होता है वो कोई और नस्ल होती है, और ब्रीड होती है, ये मादागस्कर की ब्रीड है दोस्तों। तो बाकी हमारी हीरी मादी दोस्तों, मुझे शक पड़ रहा है कि ये भी अंडों पे आ गई है, ये बार बार ऊपर की तरफ जा रही है। बाकी चलें देखते हैं इसको थोड़ी देर तक। बाकी दोस्तों एक ये मादी है, ये देखें, ये मादी है दोस्तों, माशाल्लाह से ये भी क्रुक हो गई थी, ये भी मैंने सेल के लिए भेजी थी कसूर, लेकिन भेजी नहीं है। अभी इसके नीचे मैंने बल्कि इसके अंडे रखे हुए हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके नीचे इसका एक भी अंडा नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके नीचे वो जो आपको मुर्गी नज़र आ रही है ना दोस्तों, उसके अंडे हैं तकरीबन 12-13 उसके अंडे हैं, और 3-4 इसके अंडे हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब 16 अंडे इसके नीचे रखे हैं मैंने, इस मुर्गी के नीचे माशाल्लाह से। अभी देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। फर्स्ट टाइम ये कुरुक हो रही है मेरे पास, ठीक है। और ये इधर ही मतलब कि ये देखें ओपन जगह पर ये कुरुक हुई है, इधर ही अंडे देती थी, इधर ही ये कुरुक होगी। इसको मैंने नीचे ले जाके बिठाया दोस्तों, ये बैठी नहीं दोस्तों, ये नीचे जाकर ना मुर्गी कुरक पे बैठी नहीं। ये रीज़न ही मुझे पता क्यों नहीं बैठी, ये क्या रीज़न था, क्योंकि मैं चाहता था कि ये कुरक नीचे ही बैठे तो आगे सर्दी हो जानी है, तो फिर बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, आधी रात को मैं ऊपर आके भी नहीं बैठ सकता। चलें खैर, जब ये वक्त आएगा देखी जाएगी, इसको कोशिश करेंगे
के नीचे ही, मतलब कि इसके जब हैचिंग स्टार्ट होगी या नीचे भेजें, अगर ये नीचे जाके नहीं बैठेगी दोस्तों तो फिर इसके जो अंडे उठा के ना मैं इसके नीचे दूसरे अंडे रख दूंगा और उसके जो अंडे होंगे मैं इनक्यूबेटर में लगा दूंगा। जैसे ही हैच होना शुरू होंगे तो फिर इसके नीचे दोबारा शिफ्ट कर देंगे और फिर इस मुर्गी को हम नीचे ही रख लेंगे, फिर ये नीचे मतलब की हो जाएगी। दोस्तों इसके इधर भी मैंने इसको बिठाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये इधर भी नहीं बैठी। अब ये रीज़न नहीं मुझे पता क्यों नहीं इधर बैठी, इधर से भी इसने ये सारा देखें बाहर पैंक पूंगे ना, ये बाहर आ जाती थी दरवाज़े के साथ टकरे मारती थी, फिर अंडे के ऊपर वजन पड़ता था। दोस्तों मुझे लग रहा है कि हीरी जो मादी है ना ये वाली, ये अंडों पे आई हुई है। ये दोस्तों अंडे नहीं दे रही थी, इसके टेल के ऊपर ना एक जहर नुमा चीज़ बन जाती है, ठीक है वो छोटी सी रहती है, इशू नहीं होता, जैसे ही वो फूलती है जहर ज़्यादा होता तो फिर ये अंडे अपने ना सुखा लेती है, मतलब ज़ाया कर देती है। बाकी आपसे गुजारिश है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी मादा अगस्तर की मतलब कि मुर्गी अच्छी लगी हो, ब्रीड अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।